ना अब हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर से कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में जैसे मान लेते हैं ये अपने पास हो गया ए बी पोटेंशियोमीटर वायर। सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे प्राइमरी सर्किट, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। प्राइमरी सर्किट में अपने पास आ जाएगा एक ड्राइवर सेल या बैटरी लगा देते हैं, ड्राइवर सेल। इसके बाद एक अपने पास दूसरा जो मैंडेटरी है वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको रियोस्टेट भी लगा सकते हो, रियोस्टेट या कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा सकते हो आप, अमीटर और फाइनली एक की। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया आपके सामने प्राइमरी सर्किट। अच्छा, सेकेंडरी सर्किट में एक सेल अपने पास आ जाएगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। उसके बाद गैलोनोमीटर और एक हाई रेजिस्टेंस जो कि गैलोनोमीटर को हैवी करंट से सेफ रख सके, और फाइनली जॉकी। अब सर्किट ज्वाइन होने के बाद बड़ा सिंपल सा आपको काम करना है। इसको दो स्टेप में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। स्टेप वन में हम क्या करेंगे, ये जो आप जॉकी देख रहे हो ये सर्किट जोड़ने के बाद आप इस जॉकी को ए बी वायर पर स्लाइड करोगे फ्रॉम ए टू बी। जब आप ए टू बी स्लाइड करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आपको मिल जाएगा जहां पर गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए तो ये कहलाएगा अपने पास नल पॉइंट। अच्छा, नल पॉइंट मान लेते हैं इस बार कि नल पॉइंट जो हमें मिला वो L1 लेंथ पर मिला। तो नल पॉइंट अगर L1 लेंथ पर मिलता है तो ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है इसका मतलब इस सर्किट में कहीं कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो करता है पोटेंशियल में डिफरेंस के कारण। करंट फ्लो नहीं करेगा इसका मतलब सिंपल सा है कि इसमें और इसमें कोई पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा, यानी एट नल पॉइंट नल पॉइंट टीपीडी अक्रॉस सेल, टीपीडी अक्रॉस सेल ये बराबर हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस एपी वन। टीपीडी मतलब सेल के अक्रॉस वोल्टेज, सेल के टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज। टीपीडी को वी लिख सकते हैं हम लोग, वी इक्वल्स टू अच्छा एपी वन, लेंथ एल वन है नल पॉइंट की, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं के एल वन, क्योंकि पोटेंशियोमीटर की L1 लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो के एल वन होगा। यहां के कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ना V को लिख सकते हैं, बट दिस टाइम V इक्वल्स टू E माइनस आई आर एंड I इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि देखो गैलोनोमीटर में अगर IG की वैल्यू जीरो है तो IG की वैल्यू जीरो होने का मतलब है I की वैल्यू भी जीरो होगी, दोनों सीरीज में कनेक्ट है। और जब किसी सेल से करंट फ्लो नहीं करता तो सेल से करंट फ्लो नहीं करने की पोजीशन में IR की वैल्यू टर्म ये जीरो हो जाएगी, तो V सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर। तो इस कंडीशन में V अपने पास आ गया E के बराबर। सो अगर V E के बराबर आ जाता है, यहां लिख देते हैं V इक्वल्स टू E, तो V इक्वल्स टू E आ जाने पर क्या हो जाएगा, इस को आप कैसा लिख सकते हो, V अगर E के बराबर है तो E को लिखा जा सकता है के एल वन। नाउ दिस इज इक्वेशन वन। अब स्टेप टू पर आते हैं। स्टेप टू पर क्या करेंगे, स्टेप टू पर सर्किट में बहुत माइन्यूट सा चेंज करेंगे। देखिएगा जो प्राइमरी सर्किट है उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज ड्राइवर सेल रिहोस्टेट अमीटर एंटी। अच्छा, सेकेंडरी सर्किट में बहुत माइन्यूट सा चेंज लाएंगे, ये वही सेल ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, गैलोनोमीटर हाई रेजिस्टेंस और ये फ्री एंड जॉकी। बस चेंज क्या लाएंगे, इस सेल के अक्रॉस
एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर देंगे, यानी इस सेल को के अक्रॉस पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आर जोड़ देंगे। देखिए डिफरेंस देखिएगा, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं था इसके पैरेलल में। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। अगेन यहाँ पर गैल्वेनोमीटर वायर को इस पोटेंशियोमीटर वायर ए बी के ऊपर स्लाइड करेंगे और फिर से फाइंड करेंगे वो पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, यानी आई जी की वैल्यू अपने पास जीरो हो जाए। अच्छा मान लेते हैं ये जो नल पॉइंट इसको हम बोलते हैं, ये नल पॉइंट ये मिला इस बार एल टू लेंथ पर। अच्छा अब नल पॉइंट पर देखेंगे क्या, एट नल पॉइंट पर आप ध्यान दो, इस नल पॉइंट पर क्या होगा, इस नल पॉइंट पर फिर से यहां इन दोनों सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। करंट फ्लो नहीं करने का मतलब क्या है, करंट फ्लो नहीं करने का मतलब है कि दोनों वोल्टेज सेम है। कौन से दोनों वोल्टेज, एक सेल के अक्रॉस और एक वायर के अक्रॉस। तो एट नल पॉइंट टीपीडी अक्रॉस सेल ये बराबर हो जाएगा, टीपीडी अक्रॉस सेल बराबर हो जाएगा अपने पास वोल्टेज अक्रॉस वायर, वोल्टेज अक्रॉस, अच्छा टीपीडी अक्रॉस सेल, टीपीडी अक्रॉस सेल अपने पास वी लिख सकते हो और ये आ जाएगा के एल टू। हाँ अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इससे पहले वाले केस में मैंने क्या बोला था, V इक्वल टू के एल वन, और यहां पर V फाइनली किसके बराबर आ गया था, E के बराबर आ गया था। ये E के बराबर क्यों आया था, क्योंकि I की वैल्यू जीरो हो गई थी। अब यही चीज यहां देखो, इस बार आई जी की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन क्योंकि पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो ये सेल अभी भी एक करंट को लगातार अपने सर्किट में फ्लो कराता रहेगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस टाइम आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, देखो लगातार करंट फ्लो होता रहेगा। और अगर आई जीरो के बराबर नहीं है तो दिस टाइम आप वी को ई के बराबर नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब इस बार पहली बार में क्या मेजर हुआ था, पहली बार में मेजर किया था अपन उन्होंने ईएमएफ, और एक पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ देने पर अब जो मेजर हुआ वो हुआ टीपीडी। यानी आपने एक बार बैलेंसिंग लेंथ निकाली ईएमएफ के रिस्पेक्ट में और दोबारा आपने बैलेंसिंग लेंथ निकाली टीपीडी के रिस्पेक्ट में। नाउ लास्ट स्टेप फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस वन। इसका मतलब ऐसे मान लो कोई एक अपने पास एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ईएमएफ ई है, तो इस कंडीशन में और इसके पैरेलल में आप एक रेजिस्टेंस आर जोड़ देते हो, तो इसके अक्रॉस टीपीडी अगर वी है तो वी आर ई इन सब में रिलेशन होता है कि स्मॉल आर बराबर हो जाता है कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस वन। अगर ऐसा लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका भी आपको डेरिवेशन बताऊंगा, लेकिन यहां पर इसको डायरेक्टली ऑप्ट करते हैं कि किसी सेल के अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टीपीडी में जो रिलेशन होता है वो होता है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस वन। तो इसको हम डायरेक्ट ऑप्ट करेंगे, तो स्मॉल आर अपने पास आ गया, कैपिटल आर ई की जगह के एल वन, वी की जगह के एल टू माइनस वन, तो स्मॉल आर आ जाएगा कैपिटल आर एल वन अपॉन एल टू माइनस वन। तो आप एल वन और एल टू को कैलकुलेट करके सीधे सीधे आप आर को फाइंड कर सकते हो। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर।